अगर हमें भजन अभ्यास के समय धुन सुनाई देती है तो हमें क्या करना चाहिए? कई बार होता है कि जब हम प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठते हैं तो उस समय में धुन या प्रभु की जो आवाज़ है वो सुनने को मिलती है। हमारे अंदर ज्योति और क्षिति दोनों ही काम करते हैं, तो जिसे श्रुति कहा गया है या साउंड कहा गया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रूहानियत के रास्ते पर, और शब्द के साथ जुड़ के हम अंदर की दुनिया में जाते हैं। तो अगर हम कुछ देख रहे हैं और हमें कुछ साउंड सुनाई दे तो हमें फिर साउंड को सुनने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी बहुत मधुर होती चली जाती है और हमें मस्ती के आलम में जल्दी पहुंचाती है। तो अगर हमारे लिए दोनों बराबर बराबर हैं तो हम दोनों को उतना ही टाइम दें, अगर एक हमारे को बेहतर आती है तो उसमें ज़्यादा टाइम देने में कोई हर्ज नहीं है। बट जनरली अगर आप रोशनी देखने को बैठे हो और आपको आवाज़ सुनाई दे तो बेटर आपके लिए है कि आप उस आवाज़ को सुनिए, क्योंकि उसके ज़रिए आपकी तरक्की जल्दी से होगी। क्या केवल ज्योति और श्रुति का अनुभव होने पर ही हमारे कर्म कटते हैं या फिर भजन पर बैठने से ही कर्म कट जाते हैं? हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर आप भजन पर बैठे होंगे और अगर आपको लगे कि आपको कुछ दिखा नहीं या सुना नहीं, फिर भी आप भजन पर ज़रूर बैठेगा। भजन पर बैठना कोई एनालिसिस का टाइम नहीं है। जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। तो उस समय हमें ये सोचना नहीं चाहिए मैंने ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि वो अनुभव किया। जो जो अनुभव हमारे लिए बेहतर होंगे खुद ब खुद होते चल जाएंगे। कई बार ये मन माया इतना हमारे ऊपर चढ़ी हुई होती है कि हमें अनुभव होता है लेकिन हमें लगता है जैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन शक पैदा कर देता है और हम सोचते हैं पता नहीं अनुभव था कि नहीं था, और सोचते हैं ये नहीं होगा। तो इसलिए जितनी देर भी हम बैठते हैं उसका हमें फ़ायदा होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के लिए बैठें ये मत सोचें कि हमने क्या देखा क्या सुना, लेकिन बाकायदगी से बैठें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हम अपनी जिंदगी में शांत व स्थिर कैसे रह सकते हैं? शांति और स्थिरता पाने के लिए हमें अंदर से शांत होना ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर हलचल होती रही और हमारे अंदर ऐसे ख्यालात उठते रहे कि हमने ये भी करना है हमने वो भी करना है, ये भी ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है, तो फिर हम कभी शांत हो नहीं पाएंगे। तो इंसान को जहाँ भी जिस भी मोड़ पर ज़िंदगी के वो है ये सोचना है कि मैंने करना क्या है, क्या मैं इस बहाव में जाता रहूँगा जिसमें बाकी सब जा रहे हैं, और अगर उसी बहाव में जाता रहूँगा तो फिर तो जैसे सारी दुनिया करे वैसे ही करते रहेंगे। इसका भी ज्ञान चाहिए उसका भी ज्ञान चाहिए, उसको भी मिलना है वहाँ भी जाना है, सैरें भी करनी है दुनिया भी देखनी है, तो फिर हम कभी भी स्थिर हो नहीं पाएंगे। हमें अंदर से शांत होना है तभी बाहर हमारी ज़िंदगी में शांति और स्थिरता हमारी आनी शुरू होगी। और अंदर से शांत होने के लिए हमें अभ्यास करना है। अंदर की दुनिया शांति की दुनिया है, जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो हम शांति से भरपूर होते हैं, वो शांति फिर बाहर की दुनिया में भी आनी शुरू होती है। तो अगर हमने शांत होना स्थिर होना तो ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, बाकायदगी से करें रोज़ाना करें, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी शांति से गुजरेगी। जिससे हम बातचीत करते हैं शांति से करते हैं, कोई जल्दी नहीं। बहुत से लोग तो जल्दबाजी में बहुत कुछ करते हैं, जब भी जल्दबाजी में करते हैं गड़बड़। अगर आप देखें कि एक्सीडेंट होते हैं चाहे बाहर हों चाहे घर में हों, ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि हम जल्दी में होते हैं। जल्दी में होते हैं तो बूट सही से नहीं पहना पैर फिसल गया, जल्दी में जाना है कहीं पर तो हम देखा नहीं तो सीढ़ियों से गिर गए। तो इंसान जब शांति से चीज़ें करता है तो चीज़ें ठीक ठाक होती हैं।
और जब हम जल्दबाजी में होते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो ये भी करना जरूरी है, ये भी करना है, ये भी टाइम से करना है, ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या मुसीबत पड़ेगी, तो उस मोड में से हमें निकलना है। हमें जानना है कि दुनिया कहीं जा नहीं रही, सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा। अगर 10-15 मिनट लेट हो गए, कोई चीज़ हो गई, तो कोई कोई अंत नहीं आ रहा दुनिया का। हम आराम से करें चीज़ें, शांतिपूर्वक करें, सब चीज़ें फिर सही होंगी। और उसके लिए हमें अंदर से एक बदलाव आना जरूरी है। अगर हम मन के दायरे पर ही चलते रहे तो मन तो यही कहेगा ये भी करो जी, वो भी करो, ये भी करना जरूरी है, वो भी करना जरूरी है। हमें मन के दायरे से हटके आत्मा के दायरे में पहुंचना है, और आत्मा के दायरे में पहुंचने के लिए हम अभ्यास करते हैं। हमें जानना है कि जो आत्मा के लिए ठीक है वो करें, जो शरीर के लिए ठीक है वो अपने आप होगा। क्योंकि जो हमारी आत्मिक स्थिति है, जब आत्मिक स्थिति सही होगी तो हमारी मानसिक स्थिति सही होगी, जब मानसिक स्थिति सही होगी तो शारीरिक स्थिति सही होगी। तो हमें अपनी आत्मा को शांत करना है, उसको उभार देना है, उसको ताकत देनी है, उसको शब के साथ जोड़ना है, तभी हम भजन अभ्यास करते हैं। जब ऐसा करेंगे तो हमारी जिंदगी में शांति और स्थिरता जरूर आएगी। रूहानियत में वर्तमान क्षण में जीने पर जोर क्यों दिया गया है? हमें बार बार समझाया जाता है कि जो अभी का क्षण है, जिसे प्रेजेंट मोमेंट कहा जाता है, ये सबसे कीमती है। जो क्षण गुजर गया उसका हम कुछ कर नहीं सकते, जो क्षण आने वाला है वो अभी आया नहीं, उसके लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक आया नहीं तो उसके बारे में सोचना या फिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जो अभी का क्षण है, जो करंट मोमेंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जो सन्मत का रास्ता है वो बार बार हमें समझाता है कि हम ये ना समझें कि हम अपना ध्यान उन चीज़ों में अगर डालते रहे जो हो चुकी हैं तो उनसे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई हमने गलती करी है, कुछ ऐसा चीज़ होगी जो होनी नहीं चाहिए थी, उससे हम सीखें, लेकिन उसमें डूबे ना रहें। क्योंकि अगर ये क्षण जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें अगर हमने सारा समय पुरानी चीज़ों में ही गवा दिया तो ये क्षण भी गुजर जाएगा, इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा। हमें अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है, हमने इस क्षण का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। और इसलिए हमें इस क्षण में क्या करना है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये जो अभी का क्षण है, इसका फ़ायदा तब होगा जब इसमें हमारी आध्यात्मिक तरक्की होगी। तो आध्यात्मिक तरक्की कैसे होगी? पहले तो हमारा ध्यान अपने सद्गुरु में हो, पिता परमेश्वर में हो। दूसरा कि हम सद्गुरु को अपनी ज़िंदगी में ढाल रहे हों, क्योंकि वही एक स्टेपिंग स्टोन है, वही बुनियाद है जिस पर कि हमारी रूहानी ज़िंदगी बनती है। तीसरा कि इसमें हम सिमरन करें, भजन अभ्यास करें, ताकि मन हमें डिरेल ना करे, अपनी मंजिल पर जाने से रोके ना। चौथा, इसमें हम अभ्यास करें ताकि अंदर की दुनिया में बढ़ने के हम लायक हों। शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो इनमें से कुछ भी करेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट का फ़ायदा होगा। हर क्षण अगर प्रभु की ओर होगा, जिसमें कि कदम प्रभु की ओर बढ़ेंगे, तो उसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमें इस किस्म की ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो सन्मत का रास्ता समझाता है कि ये वाला क्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में क्या होगा, अगर ये वाला क्षण ठीक हुआ तो बाद का क्षण खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर इस क्षण में सिर्फ सोचते रहे कि बाद में करेंगे क्या, तो ये क्षण भी गुजर जाएगा। तो हमें ये देखना है कि इस क्षण में करना क्या है। मन को शांत करें, शरीर को शांत करें, भजन अभ्यास करें, सिमरन करें, या निष्काम सेवा भाव से मदद करें किसी की, वो भी इस क्षण के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब हम निष्काम सेवा भाव से मदद करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो फिनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो और किसी की मदद हो, तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए दिखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि करंट मोमेंट, जो अभी का क्षण है, इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, इसमें ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, और हम देखेंगे कि हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे।
कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी बननी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे, उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब जब वो पहले मानव चोले में थी, जो जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे, वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए, उनको सच्चित कर्म कहा जाता है। कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मा, जैसे एक जिंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलब्ध कर्म कहा जाता है, और जो प्रलब्ध कर्म है वो हमने जिंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। वो रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं, ये तीसरा हिस्सा कर्मों का, जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है। कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे, तो जो 25% का हमारा हिस्सा है जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कुछ 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें। कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता हमें ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म हैं वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय नामदान के समय पर ही जो इतने भी संचित कर्म हैं वो हमारे सब के सब कट जाते हैं, लेकिन जो प्रलब्ध कर्म हैं उन्हें वो छेड़ते नहीं। क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलब्ध कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम ज़िंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलब्ध कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है, एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर खींच सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो, जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म कटते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए, जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं, क्रियामान कर्म, वो
अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन से करके रोजाना करते चल जाते हैं, ताकि जो हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रहलाद कर्म रोज के रोज कट रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की और करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर ऐसे किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएं। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा, आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 इंच सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊँचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।